हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम अपने वीडियोस में डिफरेंट तरीके के जो हैं हेल्थ इश्यूज़ की बात करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप हेल्थ इश्यूज़ देखें बच्चों के, लेडीज़ के, या फिर जो हैं बाकी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ एज के अकॉर्डिंग, उनके जो हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स या फिर जो हैं एक्वायर्ड डिज़ीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो आज यहाँ पर हमने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक है फीमेल्स को होने वाली एक प्रॉब्लम जो इस तरीके की रहती है कि उसको जो है डिस्कस करने के लिए लेडीज़ को, इवन डॉक्टर्स को से भी डिस्कस करने के लिए वो हेजिटेंट फील करती हैं। तो ये हेजिटेशन क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है जिस एज में जाकर के होती है, उस एज में वैसे भी लेडीज़ जो हैं डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, या इवन अपने फैमिली में भी ऐसी प्रॉब्लम को बताना जो है उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूटराइन प्रोलैप्स की। यूटराइन प्रोलैप्स, जिसको आम भाषा में हम बच्चे जाने का बाहर आना कहते हैं, तो इस समस्या के बारे में हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, यूटराइन प्रोलैप्स के सिम्टम्स जो हैं, आपको लोअर एब्डोमन में पेन बना रहता है, आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन रहता है, आपको वाइट डिस्चार्ज रहता है आपकी बॉडी से, आपको जो है स्मेल काफ़ी ज़्यादा इसमें फील होने लगती है, और जो है इसके साथ आपको जो है जब भी आप पैरों के बाहर बैठते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए बैठते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका वजाइनल एरिया से जो है आपका जो शरीर का एक पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो यूट्रेन प्रोलैप्स है उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, कि कुछ प्रोलैप्स वजाइना एरिया के अंदर तक ही लिमिटेड रहते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि वजाइनली अगर आप जो हैं पैरों के बाहर बैठते हैं तो उससे वो बाहर भी आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम होने के क्या कारण रहते हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। वजाइनल जो वजाइनल एरिया से यूट्रस का जो प्रोलैप्स है उसका अपने आप में कारण रहता है। अनट्रेंड लोग जब आपके जो हैं डिलीवरीज कराते हैं तो ये डिलीवरीज के कारण से उनकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती, जिस वजह से यूट्रस जो है अपने पोजिशन को जो है छोड़ देता है। इसके अलावा रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं, वो भी जो अनट्रेंड लोगों के द्वारा किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है एक एज के बाद आकर के आपको यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस रहते हैं तो यहाँ पर भी जो है आप यूट्राइन प्रोलैप्स की स्थिति में पहुँच सकते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये समटाइम्स जो है कैंसर का कारण भी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू ट्रीट प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करना से ज़्यादा आपको इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है ताकि आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच सके। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो, अगर आपको जो सिम्टम हमने बताए उसमें से कुछ भी फील होता है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको एक बहुत अच्छी होम रेमेडी इसके लिए दे रहे हैं, जिसको आप घर पर कर सकते हैं, और आपका जो इन्फेक्शन है, जो आपका बॉडी में कसाव आ सकता है, वो आप इसके साथ कर सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर आपकी बॉडी से आपका बॉडी का एक पार्ट लूज़ हो गया है तो अल्टीमेटली जो है आपको उसके जो है ऑपरेशन के लिए ही जाना पड़ता है, लेकिन हम जितना समय निकाल सकें उतना निकालना चाहिए, क्योंकि एक एज से पहले अगर आप यूट्रस रिमूव करा देते हैं तो आपको मीनोपॉज वाले सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो हैं सीवियरिटी के साथ आते हैं, और वो भी आपको हैंडल करना इसमें मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होम रेमेडी हो सकती है, इसी पे हम पहले सबसे पहले बात करेंगे। तो होम रेमेडी में आपको सिंपली पंसारी से तीन चीज़ें लेकर के आनी हैं और उनको पाउडर करना है। तो क्या तीन चीज़ें हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं ये चीज़ें। सबसे पहले माजूफल 100 ग्राम आपने लाना है, 50 ग्राम फिटकरी को आप पका लीजिए और पाउडर करके रख लीजिए, या मार्केट से आप प्रिपेयर्ड स्फटिक भस्म भी ला सकते हैं, और इसके साथ ही आपने भांग का इस्तेमाल करना है। भांग के आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको पंसारी से मिल जाएंगे। इन तीनों को आप पाउडर करके रख लीजिए, और आपके घर में कोई बड़ा टब या तसला है उसमें आप इतना जो है लूकवर्म वाटर डालिए कि आप उसमें बैठ के अपना जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसको डिप कर पाएँ, और उसके अंदर ही आपने एक चम्मच इस पाउडर की डालना है और उसमें बैठना है ताकि आपका बॉडी का पार्ट उसमें डिप हो जाए, और उसमें बैठ करके आपने एक क्रिया है जिसको हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा का मतलब है कि आप जैसा नॉर्मली बाथरूम या टॉयलेट का प्रेशर को रोकने की कोशिश करते हैं और आपके
बॉडी की लोअर मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। तो आप जब इसको स्ट्रेच करेंगे इनहेल के साथ में, तो आपका बॉडी का लोअर पार्ट में जो है मसल्स में कसाव आएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे आपका जो प्रोलैप्स है वो ऊपर की तरफ जो है बॉडी स्ट्रेच होगी और मसल्स वहाँ पर अपने आप को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ये प्रोसेस कम से कम जो है हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा 15 से 20 मिनट अगर आप इसको करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आराम होगा। आपके प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जहाँ पर है वहीं पर आपकी बॉडी उसको होल्ड करने की कोशिश करेगी और आपको इसमें इन्फेक्शन और पेन में भी काफ़ी आराम होगा। तो आप ज़रूर ये होम रेमेडी ट्राई करें। इसके साथ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट से चांगेरी घृत के नाम से एक मेडिकेटेड घी अवेलेबल है, जिसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम लेना शुरू करें और इस होम रेमेडी को अपनाएं, तो ज़रूर आपकी यूट्राइन प्रोलैप्स की प्रॉब्लम में आपको बहुत आराम मिलेगा और आप जो है अनटाइमली किसी भी सीवियर डिजीज़ से बच पाएंगे, या फिर जो है आपको एज अर्ली जो है इसके ऑपरेट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको प्रोलैप्स का ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।